दोस्तों, वन प्लस अपना न्यू स्मार्टफोन वन प्लस नोट 4 को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये फ़ोन इंडियन मार्केट में 16 जुलाई को लॉन्च होने वाला है और लॉन्चिंग से पहले इस फ़ोन का सारा डिटेल्स बाहर निकल के आ गया है। इस फ़ोन का इंडिया प्राइस भी लीक हो गया है लॉन्च से पहले ही। इस वीडियो में इस फ़ोन के कन्फर्म डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे कि ये फ़ोन इंडियन मार्केट में कितने प्राइस पर लॉन्च होगा और डिस्काउंट के बाद ये फ़ोन आपको कितने में मिलेगा और इस फ़ोन का बेस वेरियंट क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पूरे डिटेल्स में वन प्लस नोट 4 के बारे में। सबसे पहले इस फोन के लुक का बात करें तो इस फोन का बैक लुक कुछ इस तरीके का होगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा। फ़ोन बैक साइड से ठीक ठाक होगा, इसमें ग्लास का बैक रहेगा, फ्रेम मेटल का होगा और इसमें दो कैमरा का सेटअप रहेगा और एक एलईडी फ्लैश मिलेगा। कैमरा का सेटअप और एलईडी फ्लैश हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहने वाला है। फ़ोन इनहैंड फील में भी ठीक ठाक होगा, जब आप फोन को हाथ में लेंगे तो आपको अच्छा फील देगा। वहीं फ़ोन फ्रंट साइड से फ्लैट डिस्प्ले के साथ ही आएगा जो कि सेंटर पंचोल वाला होगा, जहाँ साइड का बेल्स और चेन बहुत कम रहेगा, फ़ोन फ्रंट साइड से भी अच्छा होगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो फ़ोन लुक में ठीक ठाक होगा। हो सकता है किसी को इस फ़ोन का बैक लुक बहुत अच्छा लगे और किसी को अच्छा ना लगे। देखिए, ये फ़ोन बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन में चाइनीज़ वेरिएंट से बिल्कुल डिफरेंट है। वहीं इस फोन के डिस्प्ले का बात करें तो इसमें 6.7 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला टाइनमा का ओलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि सेंटर पंचोल वाला फ्लैट डिस्प्ले होगा। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहेगा, इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी रहेगा और इसमें 2150 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस भी रहेगा। फ़ोन डिस्प्ले में बेस्ट होगा, जब आप फ़ोन को चलाएंगे तो फ़ोन चलाने में आपको एकदम स्मूथ लगेगा, फ़ोन मक्खन के जैसा चलेगा। स्क्रोलिंग में, ब्राउजिंग में, ऐप ओपन क्लोज में, ये सब में बेस्ट होगा और वीडियो व्यू एक्सपीरियंस में भी बहुत अच्छा होगा। जब आप इस फोन में कोई भी क्वालिटी का वीडियो प्ले करेंगे या कोई हाई रेजोल्यूशन का मूवी देखेंगे या कोई 4K वीडियो प्ले करेंगे तो आपको व्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा, डिस्प्ले में फ़ोन बेस्ट होगा। वहीं इस फोन के प्रोसेसर का बात करें तो ये फ़ोन स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 प्रोसेसर के साथ आएगा जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बना है, तो बैटरी इफिशियंट भी है और इसका एंटीटू स्कोर 13 लाख के आसपास रहेगा। फ़ोन परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा होगा, जब आप इस फोन में गेमिंग करेंगे तो गेमिंग आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और एक गेमिंग करने वाले यूजर के लिए फ़ोन बेस्ट होगा। खास करके जो लोग BGMI PUBG ज़्यादा खेलते हैं उन लोगों के लिए फ़ोन बहुत अच्छा होगा, गेमिंग मक्खन के जैसा होने वाला है और ये फ़ोन एक नॉर्मल यूजर के लिए और ज़्यादा बढ़िया होगा। वहीं इस फोन के स्टोरेज और रैम टाइप का बात करें तो ये फ़ोन LPDDR5X RAM और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप के साथ आएगा और जब आप इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे या कोई एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे या एक ऐप से दूसरे पे स्विच करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से होगा और फास्ट होगा। फ़ोन स्टोरेज और रैम टाइप में भी बेस्ट होगा। वहीं इस फोन के कैमरा का बात करें तो ये फोन रियर साइड से डुअल कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जहां की मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, इसमें OIS भी रहेगा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा, सेल्फी में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। देखिए, फ़ोन का कैमरा सेटअप ठीक ठाक होगा, अगर इसमें एक टेलीफोटो लेंस मिल जाता तो ज़्यादा बढ़िया होता और इस फोन के रियर कैमरा से जब आप कोई फोटो क्लिक करेंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो क्वालिटी अच्छा निकाल के देगा, डिटेलिंग को अच्छे से मेंटेन रखेगा, कलर को अच्छे से बैलेंस करेगा, लो लाइट में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छे लाइट कंडीशन में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो फ़ोन कैमरा में बढ़िया होने वाला है और इस फोन के रियर कैमरा से आप 4K 60fps तक का वीडियो को रिकॉर्ड भी कर पाएंगे और लीक्स में बताया जा रहा है कि इस फोन में IP65 का रेटिंग भी मिल सकता है, तो ये फ़ोन थोड़ा बहुत बारिश और डस्ट को आराम से झेल सकता है। वहीं इस फोन के बैटरी का बात करें तो इसमें 5500mAh का बैटरी मिलेगा, जहां 100W के फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी रहेगा, तो फ़ोन बैटरी में भी बेस्ट होगा और इस फोन में वन प्लस का पॉपुलर फीचर अलर्ट स्लाइडर भी मिलने वाला है और ये फ़ोन डुअल स्टीरियो स्पीकर डॉल्बी एटमोस के सपोर्ट के भी साथ आएगा, तो फ़ोन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में भी बेस्ट होगा और इस फोन में X-axis लीनियर मोटर का भी सपोर्ट मिलेगा, तो फ़ोन हैप्टिक फीडबैक में भी बढ़िया होगा और ये फ़ोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा, इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट बैंड का सपोर्ट भी मिलेगा, 5G कनेक्टिविटी में फ़ोन बेस्ट होगा, स्पीड भी बढ़िया देगा और इस फोन में Wi-Fi 6 का कनेक्टिविटी मिलेगा, इसमें ब्लूटूथ 5.4 का कनेक्टिविटी मिलेगा और ये NFC के भी कनेक्टिविटी के साथ आएगा, इसमें IR ब्लास्टर भी मिलने वाला है और ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा और इसमें मिनिमम 3 साल का मेजर अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाला है, तो ये फ़ोन एंड्रॉइड 17 तक जाने वाला है। दोस्तों, यही सब पूरा डिटेल्स था ये वन प्लस नोट 4 5G से रिलेटेड जो कि इस वीडियो में आपको बताए हैं। ये सब डिटेल्स से तो देखिए साफ क्लियर है कि फ़ोन लगभग सारे ही चीज़ों में बहुत अच्छा होगा। वहीं इस फ़ोन के प्राइस का बात करें तो दोस्तों, इस फोन का जो बेस वेरिएंट होगा वो होगा 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला, उसका प्राइस इंडियन मार्केट में 31,000 या फिर 32,000 रुपया रहेगा और ये फ़ोन सारे डिस्काउंट के बाद 27,999 रुपया में मिलने वाला है। और आपको बताते चलें कि जो इसका बेस वेरिएंट होगा 128GB स्टोरेज वाला, उसमें UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलेगा और बाकी के हायर वेरिएंट में UFS 4.0 मिलेगा। तो दोस्तों, इस फोन को लेके आप सीरियस हैं तो मिनिमम 28,000 का टारगेट लेके चलिए, उतने से कम के प्राइस पे ये फ़ोन आपको नहीं मिलने वाला है। वैसे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, जो भी अपडेट आया था वन प्लस नोट 4 से रिलेटेड वो सारा डिटेल्स आपको बता दिए। वैसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।